स्वागत है आप सभी का योगिराज एजुकेशन हब में। तो अब आप सभी के एग्ज़ाम हो गए हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल साइकोलॉजी टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन के बारे में। एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूं मैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, किसी भी चीज़ को आप हल्के में लेकर मत चलिए कि साइकोलॉजी टेस्ट में आसानी से कर लूँगा, ग्रुप डिस्कशन में आसानी से कर लूँगा। और कॉन्फिडेंट मत होइए, क्योंकि 100 में से केवल 40 ही कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं फिजिकल के बाद, ठीक है। तो 40 से भी कम होते हैं कई बार, तो ध्यान रखिए। तो प्रत्येक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ की अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, उस चीज़ का पूरा नॉलेज लें कि उसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो भी एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। तो सबसे पहले आप मुझे कि मैं आपको साइकोलॉजी टेस्ट और जीडी की अगर आपको तैयारी करवाना चाहता हूं, तो सबसे पहले कमेंट कर दीजिए जिनको भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब आपको एक साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। ये ट्रिक काम कर भी जाती है और कई बार काम करती भी नहीं है। तो अगर आपको मैं जब 75% पर एडमिट कार्ड आता था, तब का अगर मैं आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बताऊँ वेटिंग लिस्ट तक, तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये बात आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो देखिए, जब पहले एक दिन में जब हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, तो एक दिन में 3 शिफ्ट होती थी, ठीक है। और तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद दूसरी शिफ्ट का होता था, फिर तीसरी शिफ्ट का। तो जो एग्ज़ाम पहली शिफ्ट के स्टूडेंट्स को दिया जाता था, वही सेकेंड के और वही थर्ड के। तो अगर सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के स्टूडेंट्स ने अपना एग्ज़ाम पूछ लिया किसी भी तरीके से फर्स्ट शिफ्ट के अपने फ्रेंड्स से या किसी भी से भी, कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है, बाई चांस अगर वो उन्हें मिल जाता है, तो ऐसा होता भी था कि उन्हें कई बार फ़ोन कॉल कर कर पूछ लिया जाता था, ठीक है। वैसे तो पूरी उन पर निगरानी रखी जाती थी, लेकिन कई बार चांसेस होते थे, और ऐसा कई स्टूडेंट्स ने किया भी है, मैंने खुद ये देखा है, ठीक है। तो उन्हें सारे क्वेश्चन पता चल जाते थे और आसानी से एग्ज़ाम पास कर लेते थे। तो अब ये हो रहा है साइकोलॉजी टेस्ट में, ठीक है। ये मेरे साथ हुआ था, ठीक है, जब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम्हारे साइकोलॉजी टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आए थे, तो वही सेम आए थे मेरे में, मतलब वो सेम हमें दिया गया था, ठीक है। क्योंकि मोस्टली यार 2 या 3 सीट होती हैं जो रिपीट होती रहती हैं बार बार, ठीक है। तो जिस दिन आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो, ठीक है, और आपका जब रिजल्ट आ जाए, तो आप उन्हीं उन फ्रेंड्स से कॉन्टैक्ट करें जिनका आपका फिजिकल टेस्ट आपसे पहले वाले दिन या उससे पहले वाले दिन, मतलब पहले 2 दिन आपसे हो, तो उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए और अपने साइकोलॉजी टेस्ट के सभी क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। जैसे रीजनिंग में सीरीज का हुआ, ब्लड रिलेशन हुए, ये टॉपिक, ताकि आप उन क्वेश्चन को फटाफट कर सकें और उन टॉपिक पर ध्यान दे सकें जिनमें आप थोड़े से कमज़ोर हैं। देखिए, ये डिपेंड नहीं करता आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, मैथ कितना अच्छा आता है, फिजिक्स कितना आता है, ठीक है। इसमें डिपेंड करता है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग पर, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगा आपको रोज़ इनकी क्वेश्चन की कुछ सीरीज, जिससे आपका माइंड सेट हो सके अकॉर्डिंग टू उन क्वेश्चन, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप अगले 1 महीने तक मेरे साथ रहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका फिजिकल पास करवाने की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जब कल आएगा, तो मैं आपको उसमें फिजिकल की भी कुछ एडवाइस दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखिए, ये टिप्स काम कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी टेस्ट को हल्के में ना लें, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 100 में से 30 तो आउट हो जाएंगे साइको के टेस्ट में, मतलब प्रत्येक 10 में 3 बाहर होते हैं, ठीक है। तो इनमें आपका भी नंबर आ सकता है, तो ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रत्येक किसी भी दिन को वेस्ट मत कीजिए, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखिए, ताकि आपको जिनको भी लगता है कि भाई मेरा एग्ज़ाम आसानी से पास हो जाएगा, बहुत अच्छा मेरा एग्ज़ाम हुआ है, तो वो अभी से अपने फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन, साइकोलॉजी टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। देखिए, इतना हार्ड नहीं होंगे ये, तो मैं गारंटी देता हूँ हार्ड बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, नॉर्मल होते हैं सभी चीज़ें। लेकिन देखिए, 100 में से 40 अगर आप देखो, तो ये तो बहुत कम आंकड़ा है कि आप उन 40 में आना है 100 के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए।